हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी हेल्थ में। दोस्तों, आज के इस प्रेगनेंसी वीडियो में मैं आपको टमाटर से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां देने वाला हूं, जो गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि गर्भावस्था का समय महिलाओं के कठिन पलों में से एक है। गर्भावस्था के दौरान खाद्य पदार्थ न सिर्फ गर्भवती महिलाओं को बल्कि भ्रूण के विकास में भी अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में यह ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि गर्भवती महिला जिन खाद्य पदार्थों का सेवन कर रही है वो खाने योग्य है या नहीं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्रेगनेंसी में टमाटर खाने के कुछ महत्वपूर्ण फायदे। दोस्तों, टमाटर में विटामिन सी और फोलेट जैसे कुछ ज़रूरी तत्व पाए जाते हैं जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद ज़रूरी है। फोलेट भ्रूण के विकास में भी मदद करता है। दोस्तों, टमाटर गर्भवती महिलाओं में पोटेशियम की कमी को दूर करता है, जो गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप, विकार जैसे प्रीक्लेम्सिया के जोखिम को दूर करता है। गर्भावस्था के दौरान प्रीक्लेम्सिया एक वो स्थिति है जब ब्लड प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है। ऐसे में गर्भावस्था के दौरान टमाटर का सेवन बहुत ही ज़रूरी है। टमाटर गर्भवती महिलाओं के शरीर में विटामिन सी, पोटेशियम, फाइबर इत्यादि की कमी को पूरी करता है, जो बहुत ही आवश्यक है। गर्भावस्था के दौरान आप अपने आहार में टमाटर को अन्य सब्जियों के साथ शामिल कर इनका सेवन कर सकती है। इसका सेवन आप गर्भावस्था में पहली तिमाही से ही कर सकती है। गर्भावस्था के दौरान टमाटर का सेवन जरूरत के अनुसार ही करना चाहिए। इसका अत्यधिक सेवन गर्भावस्था के दौरान ना करें तो ही बेहतर है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान टमाटर का अधिक सेवन करने से अपच की समस्या हो सकती है, क्योंकि टमाटर में एसिड अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा हमारा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।